नमस्कार, मैं हूं अजीत आनंद। आप देख रहे हैं जनवाणी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जम्मू ड्रोन हमला मामले को संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दी चेतावनी। कहा, ड्रोन से आतंकी हमले को गंभीरता से लें वरना पड़ेगा भारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज फिर ईडी के सामने पेश नहीं हुए अनिल देशमुख, बीमारियों का दिया हवाला। जम्मू ड्रोन हमले की एनआईए करेगी जांच, गृह मंत्रालय ने सौंपी जिम्मेदारी। भारत का गलत नक्शा सुधारने पर भी मुश्किल में ट्विटर, एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ बुलंदशहर में एक अधिवक्ता ने दर्ज कराया केस। पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद अहमद का बड़ा कबूलनामा, इस्लामाबाद में रहते हैं तालिबानी आतंकियों के परिवार। पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा पर गोवा के एक गांव में कचरा फेंकने का आरोप, 5000 रुपए का लगा जुर्माना। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी राज्य 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करें। उत्तराखंड सरकार ने तत्काल प्रभाव से चार धाम यात्रा पर लगाई रोक, इससे पहले हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार ने जारी कर दी थी गाइडलाइंस। मुख्तार अंसारी ने मनोरंजन के लिए अदालत से लगाई गुहार, हर दिन फिजियोथेरेपिस्ट मुहैया कराने का किया अनुरोध। 102 दिन बाद देश में 40,000 से कम कोरोना के नए केस, 907 की गई जान। शेयर बाजार की हुई सपाट शुरुआत, सेंसेक्स में मामूली तेजी, निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह बने नेता प्रतिपक्ष, इंदिरा हृदेश के निधन से खाली हुआ था पद। नोएडा में बनेगा उत्तर प्रदेश का पहला टेक्सटाइल पार्क, 150 एकड़ भूमि आवंटित, 8,365 करोड़ का होगा निवेश। जम्मू में हुए ड्रोन अटैक मामले पर सरकार सख्त, पीएम मोदी कर रहे हैं आज हाई लेवल की मीटिंग, अमित शाह और राजनाथ सिंह भी मौजूद। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का किया शिलान्यास। सीएम योगी बोले, जब भी पीड़ितों की बात होगी तो बाबा साहब का नाम लिया जाएगा। पंजाब के चंडीगढ़ पहुंचे आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुफ्त बिजली देने का किया वायदा। महाराष्ट्र के नासिक में रेव पार्टी पर पुलिस का छापा, हिना पांचाल समेत 6 अभिनेत्रियों की हुई गिरफ्तारी। लॉकडाउन से डिप्रेशन में आई मॉडल, ग्रेटर नोएडा में 14वीं मंजिल से कूदकर दे दी जान। 19 जुलाई से शुरू हो सकता है संसद का मानसून सत्र, सूत्रों से मिली बड़ी जानकारी। करण जौहर के नए प्रोजेक्ट का ऐलान, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनेगी फिल्म।